अविनाश, जो जानकारी विवेक दे रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्या दिल्ली से भी वकीलों की टीम पहुंची है? क्योंकि जो अब्बास अंसारी है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लखनऊ ने लेकर जाया जा रहा है, ये अभी तक अपडेट मिला है, लेकिन क्या दिल्ली से भी कोई वकील पहुंचेंगे? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली में जो केस है अंसारी परिवार का, वो कपिल सिब्बल लड़ते रहे हैं हमेशा से। चाहे अगर अभी बात करें तो कुछ दिन पहले ही अब्बास अंसारी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ जबरदस्ती कई FIR दर्ज की जा रही, तो उसमें कपिल सिब्बल ने केस लड़ा था। कपिल सिब्बल पूरे इस मामले को देख रहे हैं, हालांकि कपिल सिब्बल खुद नहीं जा रहे, लेकिन उनकी टीम के कई सारे वकील पहुँच रहे हैं वहाँ पर, जो कि कपिल सिब्बल से पूरी केस को समझ के किस तरीके से आगे इस पर प्रोसीडिंग की जाए, उन तमाम सारे कानूनी दाव पेच को समझ के यहाँ से दिल्ली से जा रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल अभी खुद नहीं जा रहे हैं, चूँकि अंसारी परिवार का जितना भी केस है सुप्रीम कोर्ट में जो आता है, जो लड़ा जाता है, वो दो ही वकील लड़ते हैं, या तो अगर बात करें तो कपिल सिब्बल लड़ते हैं, या तो अगर बात करें तो दूसरे जो वकील हैं उनका नाम है, अगर बात करें तो पिछली दफा जो केस लड़ा था उन्होंने लड़ा था, मुदगल जी ने लड़ा था, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। तो ये दो वकील है जो हमेशा से केस लड़ते हुए आए हैं। दोनों वकील इस वक्त अगर बात करें पूरी केस स्टडी करके, जो तमाम सारे वकील हैं लखनऊ में, उनको भी बता रहे हैं किस तरीके से कानूनी दाव पेच से बचाया जा सकता है अंसारी परिवार को। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर भी केस स्टडी अभी चल रही है, चूँकि ED जब गिरफ्तार कर चुकी है, ED अब कोर्ट में पेश करेगी, तो ED अपनी ओर से क्या कुछ कहती है उसके बाद ही वकील वहाँ पर क्रॉस अपनी जो आर्गूमेंट है वो करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो वकील हैं पूरी दाव पेच यहाँ पर समझ रहे हैं, कानूनी दाव पेच किस तरीके से वहां पे अंसारी को, यानी कि जो अब्बास अंसारी गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको किस तरीके से बचाया जा सके। अविनाश, तो मतलब क्या ये समझे कि दिल्ली से कुछ वकील हैं जो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, जैसा आपने बताया कपिल सिब्बल ने हमेशा चुनाव माफ कीजिएगा उनके लिए केस लड़ा है, लेकिन साथ ही साथ लखनऊ के भी वकील बताए जा रहे हैं, प्रयागराज से भी एक टीम है जो लखनऊ के लिए रवाना हुई है, तो ये जो तमाम वकीलों की पूरी एक लंबी फेहरिस्त है, तो क्या ये सब मिलकर किस तरीके से जमानत मिल सकती है, आगे कैसे बचाया जा सकता है, उसको लेकर एक खाका तैयार करेगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अब्बास अंसारी को कैसे इस पूरे जो, अगर बात करें मनी लॉन्ड्रिंग केस दिखा करके ED जो हिरासत में ले रही है, तो किस तरीके से पूरे जो कानूनी दाव पेच है, पूरे जो साक्ष्य हैं उसको वहां पे रख के अब्बास अंसारी को जमानत दिलाई जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो पिछले महीने जब सुनवाई हुई थी, तो कपिल सिब्बल ने अपने आर्गूमेंट में साफ तौर पर कहा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अंसारी परिवार के खिलाफ लगातार कई केस रजिस्टर्ड कर रही है, जो कि जानबूझकर है, राजनीतिक बदले अभाव के पूर्व कहते हैं, इसलिए इन तमाम सारे केसों को क्वैश करना चाहिए। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अब्बास अंसारी को गिरफ्तार नहीं करेगी, पहले पूरे मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। इसी के बाद अब्बास अंसारी सामने आया था, उसके पहले वो भगोड़ा घोषित हुआ था और फरार चल रहा था। अब अगर बात करें तो ED ने जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया था, इसके पहले अगर बात करें तो ED ने मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, परिवार के कई सारे अन्य सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब अब्बास अंसारी को जिस तरीके से कल पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब हिरासत में लिया जा रहा है, तो जाहिर तौर से बात है कि क्रॉस आर्गूमेंट करेंगे अब्बास अंसारी के तमाम सारे वकील, और अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि अब्बास अंसारी को कोर्ट ED के समक्ष जो है, ED को हिरासत में न दे या ED की कस्टडी में न दे, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और कपिल सिब्बल की जो पूरी टीम है वो भी इस पूरे मामले पे लगी हुई है कि किस तरीके से कानूनी जो दाव पेच है उसको कोर्ट के सामने रखा जा सके। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी अविनाश आपके पास। एक बार फिर से मोइन का रुख करते हैं, क्योंकि मोइन लगातार प्रयागराज में मौजूद हैं, एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, हमने आपकी खास रिपोर्ट भी देखी थी, जिसमें जो वकील हैं उनसे आपने बातचीत की थी, तो वकील का ये कहना था कि नहीं पता क्यों ले जाया गया, कब ले जाया गया, कहाँ ले जाया जा रहा है, और जब ये पूरी जानकारी होगी उसके बाद आगे का जो प्लान होगा वो तैयार किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो रात की बात थी, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और अब ED की टीम जो है वो अब्बास अंसारी को लखनऊ ले जाने की तैयारी में है, लखनऊ कोर्ट में ही पेशी कराई जाएगी। और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें अब्बास अंसारी के खिलाफ जो प्राइमरी पेपर कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं उसमें ये तो रहेगा ही कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है, उसमें अब्बास अंसारी की संलिप्तता है, मिली भगत है और तमाम संपत्तियाँ अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है। लेकिन ईडी की तरफ से जो पेपर दाखिल किया जाएगा उसमें इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि अब्बास अंसारी से मई महीने में भी पूछताछ की गई थी, कल भी पूरे दिन पूछताछ की गई, तो जांच में असहयोग करने की यानी सहयोग ना देने का भी बड़ा एक आरोप अब्बास अंसारी पर है, जिसका जिक्र जो है वो ईडी अपने पेपर में करेगी और कोर्ट को यह बताएगी कि अब्बास अंसारी जांच में कतई सहयोग नहीं कर रहा है, तमाम सवालों के जवाब उससे पूछे जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता है।
तो बहरहाल जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ईडी की टीम पुल सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दोपहर करीब 11-11:30 बजे के आसपास यहां से लेकर अब्बास अंसारी को रवाना होगी। सड़क मार्ग से अब्बास अंसारी को लखनऊ ले जाया जाएगा। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगेगा और जिन जगहों पर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिन जगहों पर जाम लगा रहता है, सुरक्षा के मद्देनजर उन रास्तों को खाली रखा जाएगा ताकि जो समर्थक हैं वो पूरे काफिले को रोक ना सकें, वो डिस्टर्ब ना कर सकें, सुरक्षा में किसी तरीके की सेंध ना लग सके। इसके लिए अभी से प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के रास्ते का होमवर्क किया जा रहा है, एक पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है और उसी के मुताबिक, उसी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक अब्बास अंसारी को 11 से 11:30 बजे के करीब यहां से लेकर ईडी की टीम लखनऊ के लिए रवाना होगी। और लखनऊ में जो ईडी की स्पेशल कोर्ट है वहां दोपहर बाद, जैसा हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी बता रहे थे कि दोपहर बाद यानी लंच के बाद दोपहर 3 बजे के करीब जो है अब्बास अंसारी को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो कानून के जानकार हैं उनके मुताबिक प्रयागराज की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ईडी ने रात के वक्त गिरफ्तारी दिखाई होगी। रात को करीब 11 बजे इसी दफ्तर से ईडी की 2 गाड़ियां अब्बास अंसारी को लेकर के गई थी और प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था। यानी अगर किसी कोर्ट में आप 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं तो ट्रांजिट रिमांड की जरूरत कतई नहीं पड़ती है। तो प्रयागराज के बजाय लखनऊ कोर्ट में होगी अब्बास अंसारी की पेशी। सुबह करीब 11:30 बजे के करीब ईडी की टीम अब्बास अंसारी को लेकर यहाँ से रवाना होगी। नजर बनाकर रखिए, एक एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मोइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक आप भी नजर बनाकर रखिए, लखनऊ जब टीम पहुंचेगी एक एक अपडेट आपसे भी लेंगे। अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए यहां पर वक्त एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।